देखिए मैं कभी किसी पर इन सब चीज़ों में कमेंट नहीं करता क्योंकि कभी कभी कुछ पता नहीं होता कि क्या किस लिहाज से किसने क्या बात की है और हमें यू नो जब तक मुझे 100% पता नहीं चलेगा मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और अगर वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यू नो ही हैज़ ऑल द राइट टू एक्सप्रेस इट एंड आई थिंक इन अ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री लाइक आज अगर किसी को कुछ बुरा लगता है वो बोलना चाहते हैं तो बोलना चाहिए। लोगों को इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए एंड शुड नॉट यू नो अननेसेसरली अटैक ईच अदर बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ द राइट टू स्पीक एंड दैट्स व्हाट अ फ्री कंट्री इज अबाउट। मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि जिस इंसिडेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं वो मैंने देखा नहीं है उसके बारे में जानता नहीं था। आई वुड नॉट लाइक टू अननेसेसरली बिकॉज इट्स बिकम अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन के बगैर अगर बात करें तो अच्छा नहीं रहेगा। डूड आई डोंट नो मैन आई जस्ट लाइक आई ओनली मेट विराट लाइक वंस और ट्वाइस एट अ पार्टी एंड ही सीम लाइक अ रियली नाइस गाय। I haven't really followed this, so I don't want to comment on it. But I just think like it's just general rule, just be kind to everyone. But I like him. He seems like a cool guy. मैं यार बहुत बड़ा फैन हूँ विराट का. I think expressive आदमी ज़रूर है वो और वो अपना point of view हमेशा जाहिर करते हैं और मैं उसमें कोई ख़राब बात नहीं मानता कभी यार. It's only human to sometimes आप कभी ज़्यादा कर देते हो कभी कम कर देते हो. इट्स वेरी ह्यूमन. आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट नसीर साहब हैज सेड दिस बट आई रियली एंजॉय हिज गेम यार. मुझे विराट का खेल बहुत पसंद है. मैं आज भी मैच देख रहा था. बहुत दुख हुआ हम हार गए बट वही तो है जिसने टीम बनाई हुई है यार. मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ क्रिकेट एक्चुअली. मैंने तो नसीर सर बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं तो वो उनका एक ओपिनियन है. उनका अपना एक ओपिनियन है. आई थिंक हर इंडिविजुअल को एक ओपिनियन इंटाइटल्ड है एंड आई थिंक इज इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन. और उन्होंने बोल दिया उनको जो कहना था. मुझे नहीं पता क्योंकि ना मैं क्रिकेट देखती हूँ ना मुझे विराट कोहली पता है कैसे हैं तो मैं उनके बारे में क्या बोलूँ.